समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बन इसीलिए रही है कि बिना जनाधार वाले नेताओं के साथ है। आज की जो प्रधानी का चुनाव नहीं जीत सकता, मतलब जनता उन्हें अपने गांव में अस्वीकार कर दी। और जब वो मंत्री थे, मंत्री बनाया, लेकिन वो ऐसी मंत्री बनाया था कि जो मुंह पर टेप वो पावरलेस मंत्री बनाया था, जो किसी नीति के लिए रखा था। और मंत्री जीत गए, जनता ने जिताया था और सदन में भेजा था, लेकिन सपा ने आवाज नहीं उठने दिया। और ऐसे नेताओं को जिन्हें जनता का समाजवादी पार्टी ने अस्वीकार कर दिया था, लोग मंत्री बनने के बाद अवसर देते हैं, ताकत देते हैं, फिर उन्हें बाद में टिकट देते हैं। तो जब एक बार उन्होंने किया, उसके बाद सपा ने भी अस्वीकार कर दिया था, तो जनता भी अस्वीकार की हो, जैसे सपा के लोगों ने अस्वीकार किया हो, ऐसे लोगों को टिकट दे। इसको मतलब मछुआरों ने खुद जिस तरीके से मिल्कमैन ने पार्टी बना रखी है, यादव भाइयों ने जिस तरीके से लीडरमैन ने पार्टी बना रखी है, उस तरीके से मछुआरों ने खुद अपनी समस्याओं के समाधान के लिए फिशरमैन ने भी निषाद पार्टी बना रखी। अब निषाद फिसलने वाला नहीं है, निषाद पार्टी अब संभल गई है और संभल करके नीत बना रही है। नीत में प्रधानमंत्री मत संपदा, केंद्र में प्रधानमंत्री का मतलब फिर मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं, फिर से एनडीए की सरकार बन रही है। तो सरकार के साथ रहने से सुख मिलती है, समृद्धि मिलती है, सत्ता मिलती है। और विरोध में तो सत्ता में रहे, बार बार हमारे लोगों का इस्तेमाल किया गया था वोट बैंक के रूप में। अब पहली बार है कि एक मछुआरे के बेटे डॉक्टर संजय को, प्रवीण निषाद को प्रधानमंत्री मोदी तक इनकी आवाज बनकर उठाने में, क्योंकि तो दिल्ली से समस्याओं का समाधान होता है। डर है क्या आपको समाजवादी पार्टी ने जो क्योंकि मल्ला के बेटे को टिकट दिया है, तो ऐसे में डर है? कोई हमें डर, देखिए हम लोग राजनीति करते हैं, हम लोग आज के दिन में हम कार्यकर्ता हमारे दिल हैं। निषाद पार्टी पहले हमारे जो निषाद थे ये हवा में थे, जो चाहता था वो कोर्ट लेकर, हर गांव में निषाद पार्टी का कार्यकर्ता है, वो निषाद राज के किले पर जाके चंदन लगाता है, संकल्प लेता है कि निषाद पार्टी को जन जन तक पहुँचाना है, ले जाना है। और ऐसे सभी नेता जो तमाम आते हैं आज के दिन में, वो सारे कभी तो निषाद राज के किले पर गए नहीं, तो नहीं गए तो निषाद किस तरीके से निषाद को वोट मांग सकते हैं। मैं इतने कहना चाहता हूँ कि आज के दिन में हम काम के आधार पर नीत बनवाया, प्रधानमंत्री मत संपदा योजना, निषाद राज वोट योजना बनाया, आज के दिन मछुआ कल्याण कोष का स्थापना हुआ, आज इनके शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के लिए आज के दिन में देखिए, आज के दिन में ही अभी संकल्प पत्र जारी हुआ है 2 पेज का। क्या इससे पहले संकल्प पत्र में किसी भी विपक्ष की पार्टी ने क्या निषादों का नाम तक लिखी है? निषादों के नाम से तो इनको बदबू आती रही, केवट मल्ला के नाम से इनको बदबू आती रही, इसीलिए तो इनको कभी किसी नौकरी में नहीं रखे। 4 बार सत्ता में नहीं समाजवादी पार्टी, 5 बार रही, 4 बार बसपा रही है, कांग्रेस रही 70 साल से। क्या निषाद का बेटा चपरासी बनने लायक नहीं है क्या? क्या उसका बेटा कर्मचारी बनने लायक नहीं है क्या? उसके लोग मंत्री बनने लायक नहीं थे क्या? दिसंबर जी आवाज उठाते थे दिल्ली में, तो यही समाज, यही कांग्रेस भाग जा ठीक है, सपा बसपा भाग जा ठीक है, लेकिन जिसके सांसद थे राज्यसभा के वो खुद भाग गए कि नहीं आरक्षण के मुद्दे पर? तो ये किस मुंह से निषादों के यहाँ समाजवादी पार्टी को, यही संत कबीर नगर है, किस तरीके से हम अपनी आरक्षण की आवाज उठाते थे और समाजवादी पार्टी ने कैसे गोली चलाई, एक मेरे भाई को मारा, आज के दिन निषादों को पिटाई किया, निषादों को महिलाओं को पिटाई किया, उनके शरीर पर इतने दाग लग गए, हमारी महिलाओं को पर अत्याचार हुआ, बच्चों को मारा, कान का उसमें दर्द पर्दे फट गए, क्या हम बड़े मुलजिम थे क्या? निषाद का बेटा हम नहीं थे क्या? समाजवादी पार्टी ने 302 का मुलजिम बनाया हमें, 7 महीने हमें पकड़ने के लिए पुलिस को जिंदा मुर्दा आदेश कर दिया था, तो कैसे निषादों के साथ अत्याचार किया था समाजवादी पार्टी, इसे मालूम है। आज के दिन भारतीय जनता पार्टी है जो पहल कर रही है, ये 2004 से 2014 सपा के साथ केंद्र की सरकार चल रही थी। मेरा जो आरक्षण की फाइल थी वो होम मिनिस्ट्री से गायब हो गई, मैंने मुकुल वासनी और शैलजा के खिलाफ मुकदमा लिखा रखा है अभी फाइल गायब कराने के लिए। जब हमारे पास फाइल रहेगी तभी तो आरक्षण लेंगे हम। डर है आपको? आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी हमारे आरक्षण के मुद्दे पर पहल कर रही है, जो पहल करे उसके साथ कोई डर नहीं। डर किससे होता है आज के दिन में विपक्ष में? डर तो उन लोगों का है कि हम कैसे समाप्त न हो जाए, इसीलिए सारी पार्टी सब कांग्रेस तमाम पार्टियां मिल के चुनाव लड़ रही है। मोदी जी और डॉक्टर संजय अकेले चुनाव, हमारे साथ राजभर भाई है, मेरे पास पटेल जी है, पिछड़ा दलित मुसलमान बिना भेदभाव के हम लोगों ने सारे लोगों को, तो वो तो कह रहे हैं कि पीडीए के तहत हमने पिछड़े को टिकट दे दिया, और जो कि मंत्री भी रहे हैं पूर्व में, निषादों के काम किया है, तो क्या निषाद पीडीए नहीं है? फिर हमारा कहाँ तक? 31 दिसंबर 2016 को समाजवादी पार्टी ने हमें पिछड़ी जाति से निकाल दिया, राज्यपाल से दस्तखत करा दिया है और हमें अनुसूचित में भेज दिया, जो इनके पास पावर नहीं था हाईकोर्ट ने रोक दिया।
तो ये आज के दिन में अगर हमें पीडीए मानते तो हमारी समस्याओं का समाधान करते। क्या राजभर भाई पीडीए नहीं है क्या? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।